नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे मास्टर सेलेक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों लाठी का एक बेहतरीन सा मूव बताऊंगा। इतना बेहतरीन मूव बताऊंगा दोस्तों कि आप अपने आप को पूरा कवर कर देंगे, सुरक्षा कवच की तरह पूरा कवर कर देंगे, उसके बाद आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एक लाठीबाज हैं, आप लाठी सीखना चाहते हैं, पिन पॉइंट के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, स्लो मोशन का भी यूज करूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश कर पाए। चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। भाइयों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये रहा नंबर, इस नंबर ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। केवल इतने लिखेगा आई वांट ऑनलाइन ट्रेनिंग एट होम। इसकी मंथली फीस भी होती है 300 रुपीज़। सबसे पहले दोस्तों आप लाठी को अपने फेस के सामने रखेंगे, फेस के सामने मीन ऐसे नहीं, फ्लैट इस तरीके से, जैसे आप किसी से लड़ते हैं, जैसे आप किसी का सामना कर रहे हैं उस तरीके से इसे फ्लैट रखेंगे सामने बिल्कुल। और बीचों बीच आपको लाठी को इस तरीके से पकड़ना है सामने। आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो आप खुद को भी इंजरी पहुंचा सकते हैं। आपकी पकड़ जो है वो एकदम सॉलिड होनी चाहिए, मजबूती के साथ फिंगर का इस्तेमाल करना है। कई लोग लाठी को इस तरीके से पकड़ते हैं, गलत है। ये बंद ऐसे इस तरीके से, और ये अंगूठे का हाथ इस तरीके से रखना है, ठीक है। देखिए अब इसका मूवमेंट करना क्या इस तरीके से वो देखिए, खड़े इस तरीके से और सबसे पहले सामने खड़ा कर लीजिए अपोजिट साइड में, यूं हाथ हमारा यूं था, इसको हमने यूं कर लिया एक बार राउंड वन। फिर उसके बाद जो ऊपर उठा हुआ सिरा है, जैसे हम हाथ को ऐसे रखते हैं उसी हाथ को हम इस तरीके से कर दिए, ये पीछे ये देखिए दोस्तों भाला फेंकने वाले मूव में आ चुका है, ये जिस तरीके से भाला फेंकते हैं, ये थ्री एंड ये फोर, ये इस तरीके से, ये पीछे और ये आगे की तरफ। इसमें दोस्तों यहाँ से ये भी घूमते हैं, यहाँ से ये भी घूमते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें, मगर उसका मूव मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए खड़े हैं, गौर से देखिएगा इस वाले सिर को, देखिए खड़े हैं इस तरीके से वन एंड ये टू आया आपने दोस्तों। अब इस वाले सिर को आपको नीचे से ऊपर ले करके आने की कोशिश करनी है, यहाँ भी आया और यहाँ पे। अब यहाँ से घूम भी सकते हैं, नहीं तो आप केवल ये सिंगल स्टेप ही कर सकते हैं। लाठी को पकड़ना है एक बार आगे, जिस तरीके से हम झंडे को लेकर के चलते हैं सामने उस तरीके से, ये एक बार आगे और ये एक बार ये पीछे, दोनों वो मूव को एक साथ करने की कोशिश करनी है। एक बार स्पीड में देखिए कैसे करते हैं, खड़े इस तरीके से दोस्तों, एक बार स्लो मोशन में देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं आप इसे। अब एक बार दूसरे एंगल से देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, दोस्तों इसे करने से पहले एक बात का खासा ध्यान दीजिएगा, आपकी कलाई फ्लेक्सिबल हो। कलाई को फ्लेक्सिबल करने के लिए आप लाठी को वो स्टेप में करेंगे, वन एंड टू, वन एंड टू, इसको दोस्तों बीच में करना है, वन टू, ये इस तरीके से करेंगे, इससे आपकी कलाई दिन पर दिन फ्लैक्सिबल और मजबूत दोनों होगी। लाठी को शुरू में हल्के वजन का रखना है ताकि आपका रिदम सही हो पाए। भारी वजन से करने से ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा लाठी चलाना सीख जाएंगे, लाठी का भी एक लिमिट होता है, क्योंकि लाठी आपकी 1 किलो से ऊपर की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और हाइट जो हो लाठी की आपके कनपट्टी के आसपास हो, शोल्डर से कनपट्टी के बीच में। एक बार आखिरी बार देखिए दोस्तों, खड़े इस तरीके से, ये वन टू वन टू वन टू, इस तरीके से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।